हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोमनिक स्टूडियोस। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे बिगिनर सीरीज का ऑडियो इंटरफेस जो कि है बेहरेंजर की तरफ से UM2। सो ये जो ऑडियो इंटरफेस है इसके लिए बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आते रहते हैं। सो मैंने सोचा परचेज करने से बेटर तो इससे बढ़िया मैं स्टोर पे आके आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। सो आज अगेन मैं राज म्यूजिकल्स पे आया हूं। मुकेश हमारे साथ हैं, पहले भी आप देख चुके हो वीडियो में। सो इसको सबसे पहले खोल के देखते हैं। सो यहां पे आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल इसकी एंड उसके बाद यहां पे आपका ऑडियो इंटरफेस। तो ये जो ऑडियो इंटरफेस है ये स्टार्टिंग सीरीज का है। बहुत सारे लोग जब भी अपना करियर स्टार्ट करते हैं या फिर म्यूजिक स्टार्ट करते हैं सो उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट रहता है। ये है एक प्लास्टिक बॉडी है एंड यहाँ पे इसके साथ आपको आई थिंक एक केबल भी मिलती है, थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं, लेकिन मेन जो बात है वो ये कि आपको ये इंटरफेस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली इसका जो अभी थॉट है इसलिए आया, मैं अभी स्टोर पे हूँ एंड अभी एक सेम प्रोडक्ट सेल हुआ है, इन्होंने सेल किया है, जो कस्टमर थे जो उन्होंने बोला। सो मैंने कहा कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा बताना। सो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो म्यूज़िक है वो रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। सो उस केस में वो उन्होंने ये बोला था कि पहले मैं देखूं कि मैं कर भी पाता हूं या नहीं। अब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप 10-15 हज़ार का ऑडियो इंटरफेस ले लो एंड बाद में जाके वो पैसे आपके बेकार हो जाए या कुछ हो जाए। तो स्टार्टिंग सीरीज़ में आप आराम से सुनना, स्टार्टिंग सीरीज़ में ये वाला जो ऑडियो इंटरफेस है ये बेस्ट रहेगा। इससे नीचे भी कोई है? नहीं, बिल्कुल बेसिक ही है। बिल्कुल बेसिक है एंड इसकी प्राइस कितनी है? 4500 बस, बट ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा सा, तो प्लीज़ प्राइस पे वो मत करना कि ये प्राइस ही एकदम स्टिक हो गया है। इनफैक्ट ये पहले आई थिंक 3.5 का भी मिलता था, पहले मिलता तो टाइम बाय टाइम इतनी जो महंगाई बढ़ रही है सो भाई महंगाई इस पर भी बढ़ती है। सो उस केस में आप ये जो ऑडियो इंटरफेस है उसको ले सकते हो एंड अगर आप दिल्ली में रहते हो सो आप स्टोर विजिट कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो ये है ऑडियो इंटरफेस आपके सामने, थोड़ा सा मैं और पास से आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको दो इनपुट्स मिल जाते हैं बट आपको एक जो है वो प्रीएम्प मिलता है, दैट मीन्स आप जो अपना माइक्रोफोन है, कंडेंसर माइक्रोफोन है, वो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो एंड साथ में आप इंसर्ट टू में कोई भी अपना जो गिटार है या फिर कीबोर्ड है उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको 48 वोल्ट्स की फैंटम पावर भी मिल जाती है जिसके थ्रू आप अपने कंडेंसर माइक्रोफोन से वो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, पेयर कर सकते हो। आउटपुट में आपको एक ही आउटपुट मिलता है बट ये नहीं है कि एक ही मिलता है, एक में मेरा मतलब है लेफ्ट एंड राइट, मतलब आप अपना जो स्टूडियो मॉनिटर का पेयर है वो आराम से इसमें कनेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको USB का पोर्ट मिल जाता है। देन आगे यहाँ पे आपके पास है माइक लाइन गेन 1, दैट मीन्स जो आपका इंसर्ट 1 है जो कि प्रीएम्प वाला है वो आप यहाँ से कंट्रोल करोगे। सेकंड नॉब में यहाँ पे आपके पास है इंसर्ट 2 एंड देन थर्ड नॉब जो है वो है आपकी आउटपुट की। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी मिलता है, प्लस साथ में आप अपने हेडफोन्स को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सो यही था आज का रिव्यू, इसके बारे में काफ़ी लोग पूछते थे सो मैंने कहा कि एक वीडियो तो बनता है इस पे, जो कि आज आपने देख लिया एंड आपको पता चल गया होगा किस टाइप के यूज़र्स को ये ऑडियो इंटरफेस लेना चाहिए। फॉर मोर डिटेल्स आपको सारी जो यहाँ की स्टोर की डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्लस अगर होगा सो गूगल का मैं गूगल मैप का लिंक भी दे दूंगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।